हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो थ्री गाइस। एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग जो है वो एक स्पेसिफिक साइन के लिए है, और जो कि वो साइन है वाटर साइन। सो आज मैं वाटर साइन के लिए रीडिंग करने वाला हूँ गाइस। आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि सर आप स्पेसिफिक साइंस पर रीडिंग नहीं करते हो, आपको करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए आज मैं वाटर साइन के लिए कर रहा हूँ, कल मैं किसी और साइन के लिए करूँगा। सो डेफिनेटली मैं आप सभी सभी साइंस को कवर करने की कोशिश करूँगा अपने इन नेक्स्ट डेज में, जो भी नेक्स्ट डेज हैं आपके हमारे। ओके सो आज मैं वाटर साइन की लव रीडिंग करने वाला हूँ। ओके सो और करंट एनर्जी भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वाटर साइन के लिए ये रीडिंग हो रही है आज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग। ओके सो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। चलिए आपकी दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, बिकॉज लव रीडिंग कर रहे हैं हम। चाहे अब आप सिंगल हो, चाहे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, आपका किसी के साथ कॉन्टैक्ट था बट वो कॉन्टैक्ट अभी टूट गया है। सो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके सो वी हैव टू कार्ड्स, फर्स्ट इज सरेंडर एंड सेकेंड इज ह्यूमन। ओके We have peace and patience. And bottom of the deck we have purples. Okay, so surrender, humor, peace and patience and purpose. Sorry. So guys, definitely अगर मैं आप दोनों की mutual energy की बात करूँ, अभी जो water sign की reading हो रही है Cancer, Scorpio, Pisces, so definitely आप लोगों को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा surrender करने की God पर, बहुत ज़्यादा surrender करने की ज़रूरत है, because आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं पा पा रहे हो अभी। तो आपको खुद पर कंट्रोल पाने की ज़रूरत है, और काफ़ी इजी है ये। आप बहुत ही इजीली अपने ऊपर कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि आपके थॉट्स ना आपको डाइवर्जन में ले जाते हैं कहीं कहीं, मतलब आपको ना भटका देते हैं वो आपके रास्ते से। सो आपको इन थॉट्स को मैनेज करने की ज़रूरत है, गॉड पर सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके ह्यूमर से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के लाइटर साइड पर। चाहे आपकी लाइफ में कितने ही प्रॉब्लम्स चल रही हों, कितने ही ऑब्स्टिकल्स हों, कितने ही बैरिकेड्स हों, हर्डल्स हों, बट आपको हमेशा लाइटर साइड पर ही देखकर चलना होगा, बिकॉज आप अपने माइंड में क्योस नहीं मचा सकते। अगर आप अपने लाइटर साइड को नहीं देखोगे, अपने ह्यूमर का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप पीस नहीं पा पाओगे अपनी लाइफ में, बिकॉज वी हैव पीस हियर। आपको प्यार करना होगा, और आपको अपनी सभी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। डेफिनेटली अपने आप से प्यार करना होगा, तभी आप पीस गेट कर पाओगे। और ये आप दोनों की ही एनर्जी चल रही है, आपके पर्सन की भी और आपकी भी, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल एनर्जी निकाली जा रही है अभी, और उसके बाद मैं आपकी एनर्जी की बात करूँगा। ओके सो डेफिनेटली और पेशेंस तो रखने ही होंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ डिवाइन ऑर्डर पर ही होता है। और आप अपनी लाइफ के पर्पस से अगर भटके हुए हो, तो डेफिनेटली आपको अपने पर्पस को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है गाइस। अपने पर्पस को ढूंढिए, समझिए क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, क्या है आपका। अगर कोई करियर एम है तो उसको अचीव करने की कोशिश करो। स्टक मत रहो, रुको मत, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, जो मिलना होगा डिवाइन ऑर्डर पर मिल जाएगा। पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ओके सो चलिए टैरोट से देखते हैं कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियंस एंड मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस वाटर साइन की लव लाइफ। हमारे वाटर साइन देखते हैं आज क्या आता है वाटर साइन के लिए निकल के। वाटर साइन की लव रीडिंग हो रही है। वाओ, वी हैव द एम्परर एरीज। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स and page of pentacles. So we have Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Tower. We have Three of Wands and Four of Swords. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. We have Ten of Pentacles. Okay.
वी हैव द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाओ, वी हैव जस्टिस. सो गाइज वी हैव द एम्परर, एरीज, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वीगो, कैप्रिकॉर्न, द टार. जेमिनी, सभी साइंस यहाँ पर हैं एंड इवन हमारे पास यहाँ पर वाटर साइन भी है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को. सो अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो डेफिनेटली काफ़ी मेरे को ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर कि काफ़ी लोगों का ना रिलेशनशिप जिनसे भी है या जिनसे भी था या जिनसे भी अभी बना हुआ है या फिर वो जिनको भी पसंद करते हैं, वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं. मैं ऐसे ये देख पा रहा हूँ. एंड काफ़ी समझदार इंसान है वो और काफ़ी रिच भी है, मेरे को ये भी दिख रहा है. एंड इवन आप बहुत ही अच्छे से जानते हो उस पर्सन को, बट यस अभी उस पर्सन का और आपका कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है. अभी द टावर मूवमेंट मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों का कॉन्टैक्ट टूटा है. अगर आप उन्हें जानते भी थे तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है उसको. ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो भी हैं, जो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं वाटर साइन के पर्सन, तो डेफिनेटली उन आपके इन पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं है. मे बी आप वाटर साइन हो, आपके पर्सन अर्थ साइन हो या फिर फायर साइन हो या एयर साइन हो, ये हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास और भी साइंस हैं यहाँ पर. सो डेफिनेटली एंड इवन मैं यहाँ से भी देख पा रहा हूँ कि आप भी बहुत परेशान हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा दुखी हो क्योंकि आपका रिकन्सिलिएशन नहीं हो रहा है आपके पर्सन के साथ. आप ये भी सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, बट मैं देख पा रहा हूँ कि यस एक कोई ना कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है अगर आप सिंगल चल रहे हो तो. ओके, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यस सिंगल जो लोग हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू पर्सन आने वाला है एंड इवन न्यू बिगनिंग भी है उनकी लाइफ में. एंड अगर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो या फिर ये आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड रहे हैं या आपके आपका इनके साथ रिश्ता हुआ था, अगर वो टूट गया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं. ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके पास आएँ, आपसे बातचीत करें और आपको ये ऑफर दे, बट अभी ये सोच रहे हैं गाइज. बट मैं देख सकता हूँ कि यस हमारे पास दो कार्ड ऐसे हैं जो मुझे ऑफर दिखा रहे हैं. सो डेफिनेटली ऑफर तो है, ये पर्सन आपको ऑफर तो देंगे, ऑफर तो आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से. ओके, बट यस आगे चल के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप दोनों की लाइफ में, बट ये पर्सन अपना फ्यूचर तो आप ही के साथ देख रहा है और आप भी अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ देखते हो. डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आप दोनों एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी इसमें एक फैक्टर है कि आप दोनों का मिलना नहीं हो पाता है जल्दी से. एंड जब आप दोनों नहीं मिल पाते हो तो आप दोनों बहुत परेशान हो जाते हो, बहुत दुखी हो जाते हो, आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो. ओके, एंड यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि टेन ऑफ पेंटिकल्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि अगर इस पर्सन से आपकी शादी होती है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत खुश रखने वाला है. आप दोनों की फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है आपको अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहता है. और अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा पेन में रखा, सोरो में रखा, ग्रीफ में रखा है, आपके साथ रिलेशनशिप बना के आपको छोड़ के चला गया, तो ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन के लिए भी तैयार हो जाएगा, वापस आएगा ये पर्सन. मे बी मुझे यहाँ से दिख रहा है कि इस पर्सन के पास बहुत सारी ना अभी चॉइसेस रही हों, बहुत सारे लोग इनके आसपास हों, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चॉइसेस ख़त्म हो जाएगी और ये पर्सन आप ही के पास वापस आएगा, क्योंकि आपकी जैसी एनर्जी, आपकी जैसी अट्रैक्शन इस पर्सन को कहीं नहीं मिलती. अगर मैं आपकी बात करूँ तो डेफिनेटली आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो और बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली गॉड से कनेक्ट रहते हो. अब आप बॉय भी हो सकते हो और गर्ल भी हो सकते हो, ये कार्ड है सिर्फ और ये एनर्जी बता रहा है यहाँ पर. सो डेफिनेटली एनर्जी आपकी बहुत खूबसूरत है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, बट शायद उस टाइम पर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी के साथ आपका बॉन्ड ऐसा बन जाए, चाहे वो रिलेशनशिप ना हो पर वो बॉन्ड ऐसा होगा कि आपके पर्सन उस बॉन्ड को देखकर ना दुखी भी हो सकता है कि आपका किसी और के साथ बॉन्ड बन गया है या फिर आपका किसी और के साथ कनेक्शन बन गया है, तो ये भी सिचुएशन आ सकती है कुछ लोगों के लिए आगे चल के. ओके, सो मुझे जो भी यहाँ से गेट हुआ मैंने आपको बता दिया, तो चलिए देखते हैं आगे चल के अगर ये पर्सन आता है आपकी लाइफ में, इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आता है तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा. चलिए देखते हैं. वाओ, वी हैव द विश फुलफिलमेंट,
फुलफिलमेंट ऑफ विश, सॉरी। सो गाइज, डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई इच्छा तो पूरी होने वाली है। अगर आपकी इच्छा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर जो भी सिंगल मेरे रीडिंग को देख रहे हैं जो वाटर साइन से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी कोई ना कोई विश तो फुलफिल होने वाली है। और ये लव रीडिंग है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस। वी हैव अवेयरनेस, सो डेफिनेटली आपको अवेयर तो रहना होगा इस पर्सन के हर एक्शन से, हर एक चीज से अवेयर रहना होगा। यस, आप होप रख सकते हो। वी हैव द सन कार्ड, सो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में होप रखी जा सकती है, इस रिश्ते में होप रखी जा सकती है। आगे चल के ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होने वाला है, डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होने वाला है। वी हैव पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली आप दोनों वापस से पार्टनर तो बनोगे ही बनोगे। एंड वी हैव क्राउन चक्रा, सो मैंने कहा ना अवेयरनेस की जरूरत है। एंड क्राउन चक्रा, आपको अपनी विजडम का इस्तेमाल करना होगा। इस पर्सन से आप जब भी मिलोगे आपको अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल तो करना ही होगा। और अगर पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, आपको चीट किया, आपको छोड़कर चला गया, आपके साथ बहुत ज़्यादा क्योज क्रिएट किए, जो कि मुझे टावर दिखा रहा है एंड फाइव ऑफ कप्स दिखा रहा है एंड फोर ऑफ शॉर्ट्स दिखा रहा है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। एंड जस्टिस को हम मैरिज कार्ड भी कहते हैं गाइज, और ये कार्मिक कार्ड भी है, तो डेफिनेटली ये अपना कर्मा तो फेस करेंगे ही। और मैं यहाँ से ये भी देख पा रहा हूँ कि इनकी मैरिज आपके साथ हो सकती है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। बट यस, गॉड आपके साथ है, आपको जस्टिस तो मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से जस्टिस का वेट कर रहे हो वाटर साइन, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। चलिए देखते हैं इनकी कुछ फीलिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से, कैसा क्या फीलिंग्स चल रही हैं इनकी। यिंग एंड यांग, तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वल फील करते हो, इक्वल, और यूनिवर्स, एंजल्स सब आपके लिए लगे हुए हैं, सब कुछ घूम के। मैंने कहा ना, अगर ये पर्सन कहीं पर भी है, जहाँ पर भी ये जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, अभी ये अपनी एक लाइफ पर्पस को नहीं समझ पाया, जबकि हमारे पास पर्पस कार्ड आया है तो समझने की ज़रूरत है। ओके, सो डेफिनेटली अगर अभी ये अपने पर्पस को नहीं समझा, तो ये घूम फिर के वापस वहीं आएंगे जहाँ ये थे। वी हैव अबंडेंस, वाओ, तो डेफिनेटली आप दोनों को अबंडेंस तो मिलने ही वाली है, और आप दोनों को फील भी हो रहा होगा बहुत ज़्यादा अबंडेंट। तो डेफिनेटली ये रीडिंग देखने के बाद तो आपको बहुत अबंडेंट फील हो ही रहा होगा। और इवन यहाँ से मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अबंडेंस यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जो आप हो ना, आपकी जो एनर्जी है, वहाँ पर ये आकर बहुत अबंडेंट फील करने वाले हैं। आपके पास तो अबंडेंस बहुत है, आपके पर्सन आपकी अबंडेंस से ही अट्रैक्ट होते हैं गाइस। वाओ, देख लीजिए, अब तो आपकी चमक भी आ गई है, ल्यूमिनोसिटी, आपकी चमक, आपकी एनर्जी, आपकी वो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना, वो आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपके टूवर्ड्स। सो डेफिनेटली इसीलिए तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। We have soulmate. Wow. So guys, आप दोनों soulmate हो सकते हो, definitely soulmate हो आप, या फिर अगर आप अपने अगर आप single हो और आप किसी का wait कर रहे हो, तो definitely आपका soulmate ही आपकी life में आने वाला है। Emotional freedom, तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि अगर past की कुछ चीज़ों से अभी भी आप परेशान चल रहे हो ना, तो अपने आप को थोड़ा emotionally ना freedom देने की कोशिश करो, emotionally अपने आप को free करो थोड़ा, आपको खुद को free करने की ज़रूरत है, because आप दोनों soulmate हो, इसीलिए तो थोड़ा सा पेन चल रहा है आपकी लाइफ में। गॉड गाइडेंस देखते हैं, गॉड क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस के लिए, तो चलिए देखते हैं वाटर साइन के लिए गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस आने वाली है। काफी खूबसूरत रीडिंग आई है वाटर साइंस आपकी, तो प्लीज आप लोग अब अपना वर्क करना मत बंद कर देना, क्योंकि रीडिंग देखने के बाद आप कभी सोचो कि नहीं अब मुझे तो सब कुछ क्लैरिटी मिल गई है, मुझको वर्क करना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप वर्क करना बंद कर दोगे, तो शायद मे बी आप वो सब कुछ गेट ना कर पाओ जो आप
सोच रहे हो अभी। सो ठीक है, आप वर्क करना मत बंद करना, क्योंकि रीडिंग तो बहुत खूबसूरत आई है। तो अगर आप इस रीडिंग को सच करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा आपको। क्योंकि देख लीजिए, स्टार्टिंग में हमारे पास सरेंडर कार्ड आता है, डोर टू वैल्यू। अगर अभी पैसों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पैसे को थोड़ा वैल्यू कीजिए अभी के लिए फिलहाल। डिसीट, धोखेबाज लोगों से बच के रहना होगा। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग बने हुए हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, तो उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखिए। ओके, हर किसी को अपने सारे सीक्रेट्स मत बताना, कभी एंड में आपको धोखा मिल जाए। जर्नी, डेफिनेटली ये जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाली है आपकी, और आप बहुत बैगेज रिलीज करोगे इस जर्नी में। वी हैव द टेम्पल पाथ, तो बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर चल रहे हो, काफ़ी कार्मिक रास्ता पार कर चुके हो अपना, और अभी एक टेम्पल पाथ पर चल रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा गॉड से कनेक्टेड हो इस टाइम आप, स्पिरिट से कनेक्टेड हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एनवी, तो डेफिनेटली आप प्लीज़, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी है, या आप लोगों से जेलस होते हो, या फिर किसी और को देखकर जेलसी रखते हो, तो वो सब चीज़ें खत्म कर देनी होगी आपको। गॉड गाइडेंस यही कह रही है। सो डेफिनेटली गाइज, ये थी हमारे वाटर साइन की रीडिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैंने आपके रिकमेंडेड टॉपिक पर रीडिंग कर दी है। सो डेफिनेटली मैं अगला जो हमारी रीडिंग होगी वो होगी एयर साइन की, मैं अभी ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली रीडिंग में, अभी के लिए बाय बाय। बस आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाय।